तो आज के व्लॉग के तीन हाइलाइट्स। सबसे पहले तो किताब के कवर के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको एक क्लैरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, रणवीर और दीपिका ने जब किताब के कवर को अनवील किया तो रणवीर ने मुझे एक सीक्रेट बताई, आज आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज ये, हम आपके साथ मिलकर एक बहुत बड़ी बहुत स्पेशल महफिल सेट कर रहे हैं, इसको हम आज रिवील करेंगे आपके सामने। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किताब का कवर सुनो, आपके क्या क्या खतरनाक कमेंट्स आए हैं। आप दोनों की लव स्टोरी इतनी क्यूट है तो इतना स्टीमी कवर क्यों साइड फेस? बुक कवर को प्लीज चेंज कीजिए, इतना हॉट बुक कवर है कि ऐसा लग रहा है कि आशिकी 3 का पोस्टर है, आपकी प्रेम कहानी नहीं दिख रही। लेकिन यू नो व्हाट, ये उनके कमेंट्स हैं फॉर श्योर जिन्होंने किताब अभी तक पढ़ी नहीं है यार, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी ने क्या कहा था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और हिंदी जो समझते हैं उनके लिए बता दूं कि किसी किताब को उसके आवरण से ना आंके, आवरण से ना आंके, क्योंकि जिन्होंने किताब पढ़ी है उनके कमेंट्स क्या हैं बुक के कवर को लेके, वो अमृता बताएगी। बताओ, तो जिन्होंने किताब पढ़ी है उनके कमेंट्स अबाउट द कवर ऑफ द बुक, हा हा हा, बुक कवर इज टू क्यूट एंड फनी, बुक कवर शॉक्ड मी एंड देन व्हेन आई रेड द स्टोरी बिहाइंड द कवर एंड आई वाज रोलिंग ऑन द फ्लोर, तब पता चला कि अनमोल की आईज ओपन क्यों है भाई किसी। और तीसरा कमेंट है कि ये सिर्फ एक बुक कवर नहीं है, इसके पीछे एक किस्सा है जो आपकी लव स्टोरी का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा है, राइट? या इट्स नॉट द किस, इट्स अ किस्सा बिहाइंड द किस जो हमारी लव स्टोरी का एक्चुअली हिस्सा है। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस कमेंट। यू नो व्हाट, इसने भी लिखा है, जब हम बुक कवर को शूट कर रहे थे, हमने आपके साथ में उसके बिहाइंड द सीन्स भी शेयर किए, बहुत से ऑप्शंस जो आपने लाइक किए, बहुत से ऑप्शंस हमारी टीम ने लाइक किए। इनफैक्ट मेरे पब्लिशर ने भी कहा था कि अनमोल ये कवर मत करो, लेकिन हम दोनों को कन्विक्शन था कि यही हमारा कवर है, क्योंकि बाकी सारे जो फोटोग्राफ्स थे बहुत क्यूट थे, बहुत रोमांटिक थे। या बट दे वर जस्ट अनदर फोटो शूट, यू नो, किसी का भी एक कवर बन सकता, किसी भी कहानी रोमांटिक कहानी का कवर बन जाता था, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता था, बट ये कहानी से जुड़ा हुआ। हमारा था कि भैया किताब का कवर वो हो जो हमारी कहानी का हिस्सा हो, और इसलिए जिन्होंने किताब पढ़ी है, मुझे जो लोग मिलते भी हैं हमारे जिम में या फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो जिन्होंने किताब पढ़ी है उनका नजरिया अलग क्यों है। आज मैं आपको वो पहला पन्ना जिसमें हमने कवर के बारे में बताया है वो पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, तुम पढ़ रहे हो, तब तक मैं थोड़ा चाय लेके आऊँ। थोड़ा क्यों, तुम अच्छे से चाय लेते रहो। आ रही हूँ। ओके, किताब का पहला पन्ना जो बताता है कि बुक का ये कवर क्यों और कैसे बना, हमारी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत लम्हा है, वहां लेके जा रहा हूं। आज की रात में कुछ अलग बात थी। हम दोनों मेरी होंडा सिटी की बैक सीट में बैठे थे, बैंड्रा बैंडस्टैंड। वहां हजारों लोग थे लेकिन हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वी वर इन द टाइटेस्ट हग पॉसिबल। मैं उसकी धड़कनें सुन पा रहा था, उसके बालों की खुशबू ने मुझे दीवाना बना रखा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मिल्खा सिंह से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। मैंने इसको कई फिल्मों में देखा था। ये वही पायल है इश्क विश्क की जिसे पर्दे पर देखकर मेरे जैसे कितने लड़के पागल हो गए थे। ये वही संजना है जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान चले जैसे हवाएं पे नाचा था। ये वही पूनम है जिसे विवाह में देख थिएटर के कोने में मैंने भी आंसू टपकाए थे। हाँ, वो एक बॉलीवुड स्टार है लेकिन इस लम्हे में वो बस मेरी प्रेमिका है। सामने से जाती हुई गाड़ियों की लाइट्स उसके चेहरे पे पड़ती और उसे और खूबसूरत बना रही थी। मुझे मेरी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था, दिल्ली का लड़का आज ये कहाँ जा बैठा है। ऐसे कई ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कौंध रहे थे। एंड बिफोर आई न्यू वी वर किसिंग ईच अदर। एज द लिप्स वर सील्ड, ब्लड वॉज रशिंग इन माई बॉडी, बट सडनली डिसबिलीव टुक ओवर पैशन। दिमाग में ये ख्याल आया, क्या सही में ये अमृता राव है जिसे मैं किस कर रहा हूं? विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी वाइल किसिंग आई ओपन माई आईज टू कन्फर्म दैट येस, दिस इज अमृता राव। खुली आंखों से देख रहा था
हाँ, ये वही विवाह की पूनम है जो मुझे किस कर रही है। आंखें खोलकर किस करता हुआ लड़का कितना फनी लग सकता है, ये मोमेंट कैसा दिखा होगा। किताब का कवर देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। चिप्स, अब आप समझे ये कॉमेडी है ये। और हमने कहा है कि ये तो एक लम्हा है, और जब आप सुन रहे होंगे मुझे पता है आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, मैंने बताया है इनको। और हमने शुरू में ही किताब के आपको ये प्रॉमिस किया है कि ऐसे करीब 1,000 लम्हे इस किताब में हम आपको देंगे जो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आएंगे। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे आपने बताया तो है अपनी प्रेम कहानी, तो फिर किताब क्यों बताओ, किताब क्यों? किताब इसलिए बिकॉज यूट्यूब में हम कितनी बार मतलब एक वो 5 मिनट या 8 मिनट की वीडियो में हम क्या क्या डिटेल्स रिवील कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारी लव स्टोरी में इतने खास पल है, इतने खास पल है कि सच कहूँ तो किताब भी कम है। इनफैक्ट जैसे ये किस्सा बताया या यूट्यूब वीडियो में था, नहीं था, ऐसे ढेरों किस्से हैं जो यूट्यूब वीडियोस में नहीं है लेकिन इस किताब में। अब दूसरी बात जो मैंने कहा था कि रणवीर ने मुझको एक बड़ी प्यारी सी सीक्रेट बताई जब बुक का हमने कवर, एक्चुअली देखो जो आपका रिएक्शन है बुक के कवर को देख के, दीपिका रणवीर का भी वही रिएक्शन था ना। आप वीडियो अगर देखोगे तो क्या हुआ था तुम बताओ। हाँ, रणवीर ने जैसे खोला उसका था ये क्या है, दैट इज फर्स्ट रिएक्शन। एंड दीपिका वाज लाइक डोंट वॉच। तो देखो मत मतलब देखो मत देखो। उन्होंने जो देखा उनको लगा कि ओ माय गॉड, लाइक सिजलिंग लव स्टोरी। आप ही की तरह उनका भी रिएक्शन था, लेकिन फिर बट मैंने बताया उनको जो मैंने अभी आपको बताया कि रीजन क्या है ये कवर के पीछे। और जैसे ही मैंने वो बताया तब तो दोनों इतनी जोर की हंसे, इतनी जोर की हंसे जो आप वीडियो में भी देखते, जो हम हंस रहे हो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको वो कहानी बताई। और तुम्हें पता है फिर रणवीर ने मुझे चुपके से क्या बोला था क्या? जब मैंने उसको बताया कि मैंने अपनी आंखें खोली है, विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये अमृता राव है। तो रणवीर ने मुझे बोला मैं भी कई बार आंखें खोलता हूँ यही डिसबिलीव में कि सही में क्या है दीपिका है। होता है होता है होता है। ओके, और तीसरी चीज हमने कहा था कि हम एक बड़ी स्पेशल महफिल है जो प्लान कर रहे हैं और वो उनके साथ है जिन्होंने किताब पढ़ी है। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक जूम सेशन चाह रहे हैं क्योंकि आपको बहुत से लोग मिल रहे हैं, हम जहाँ जाते हैं जहाँ रहते हैं जिम में, जो किताब पढ़ के इतनी प्यारी प्यारी बातें। आई मेट श्वेता एंड शी सेड मैंने एक रात में पूरी किताब पढ़ी है, उससे किताब छूट नहीं रही थी। तो खैर, तो हम चाहते हैं कि हम उनसे भी मिलें जो अलग अलग शहरों में किताब खरीद चुके हैं और पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किताब लीजिए, अगर अभी तक नहीं लिया है तो नीचे लिंक है अमेजोन का जहाँ से आप किताब ले सकते हैं, फटाफट से पढ़ लीजिए क्योंकि इसको अभी हमको बनाने में, सेटअप करने में 1 हफ्ता और लगेगा। किताब के साथ यूं अपनी फोटोग्राफ लीजिए और उसे भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे, विच इज़ lovecoupleofthings@gmail.com। डोंट वरी, नीचे भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। सिर्फ 20 लोग ऐसे होंगे जो कि उस जूम सेशन में आ पाएंगे, क्योंकि 20 इसलिए क्योंकि हम सुनना चाहते हैं सबको, ये ना हो कि आप बैठे हैं हम आपसे बात ना करना, उसमें क्या मजा, राइट? आई कांट वेट क्योंकि इतना स्पेशल होगा वो मौका हमारे लिए कि आप सब ने यू नो जब पढ़ा कौन किस इंसिडेंट से क्या चीज ले और वो अपने यू नो अपने पूरे जिंदगी में जिंदगी भर उसे वो चीज याद रहे, यू नो एज समथिंग यू नो एक सीख हो या एक विजडम, पीस ऑफ विजडम हो या whatever, you know, a tip हो lifetime के लिए। ये हमारे लिए कितनी interesting चीज होगी कि सबके साथ बैठकर सुने कि उन्हें क्या-क्या अच्छा लगा। I'm sure you guys will also love that session. So all of those you guys जिन्होंने किताब पढ़ी है, जिन्होंने किताब पढ़ी है, वो हमें जरूर message करें और हम उनको you know select करेंगे इस special interaction और chat के लिए। और जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है आप भी इसे अभी अमेज़न लिंक पे जो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे डाला है उस पे जाइए, किताब खरीदिए, झट से ओवरनाइट किताब पढ़िए क्योंकि छूटेगी नहीं किताब इतने आसानी से आपके हाथों से। यस, और फिर आप भी उस चैट रूम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बस अपनी तस्वीर लीजिए ऐसे किताब के साथ में और हमें ईमेल कीजिए lovecoupleofthings@gmail.com और माय टीम आपसे संपर्क करेगी और हम एक बहुत ही रोमांटिक चैट सेशन एक साथ में बनाने वाले हैं, राइट? चलो तुम ही करती हो क्लोजिंग अच्छे से, बताओ तुम बताओ। कपल ऑफ थिंग्स, कपल ऑफ थिंग्स, कपल ऑफ थिंग्स।